नम्र आग्रह है हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मैं एक नारा बुलवाऊंगा, आप सब मेरे साथ बोलना होगा। मैं कहूंगा महाराजा सुहेलदेव, आप सब दोनों हाथ ऊपर करके दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव। गाजीपुर के सभे रहुआ लोगन का स्वागत हुए। बुजुर्ग चाचा लोगन, माता बहन लोगन का गौर लागता नहीं। आवे वाली खिचड़ी और अमावास के नहान का बधाई। ई धरती के शहीदन के नमन। गहमरी जी जो हमनी के सांसद रहले, पूरब के दर्द से संसद के रुला दिहले रहलाना, उनका स्मृति के प्रणाम बा। संसद में आपन छाप छोड़े गौरी शंकर राय जी के भी नमन करता नहीं। दुश्मन का दांत खट्टा करे वाले वीर अब्दुल हमीद साहब के भी नमन। महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास रहुआ लोगन जानत आनी। यहां आवे का सौभाग्य मिलवे। वीरता से भरल हवे उनका का इतिहास। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नायक जी, यहां के जनप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी, इसी धरती के संतान, यहां के समर्पित सेवक, मेरे परम मित्र भाई मनोज सिन्हा जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथी और इतनी विशाल संख्या में पधारे मेरे प्रिय भाई और बहनों, देश की सुरक्षा के लिए सुरवीर देने वाली, वीर सपूत देने वाली, सेनानियों को जन्म देने वाली ये धरती, जहां ऋषियों मनुष्यों के चरण पड़े हैं, ऐसे गाजीपुर में एक बार फिर आना मेरे लिए बहुत ही सुखद है। आप सभी का उत्साह और जोश हमेशा से मेरी ऊर्जा का स्रोत रहा है। आज भी आप इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं और ऐसे ठंड के माहौल में मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में
मेरे आज के प्रवास के दौरान आज पूर्वांचल को देश का एक बड़ा मेडिकल हब बनाने का, कृषि से जुड़े शोध का महत्वपूर्ण सेंटर बनाने और यूपी के लघु उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। थोड़ी देर पहले ही गाजीपुर में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। आज यहां पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाला एक और पुण्य कार्य हुआ है। पूरे देश के कोने कोने का ये गौरव बढ़ाने वाले अवसर है। हर हिंदुस्तानी को अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी महापुरुष, उनकी वीरता का पुनः स्मरण कराने का एक पुण्य कार्य आज यहां हुआ है। महाराजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा, देश के लिए उनके योगदान को नमन करते हुए थोड़ी देर पहले उनकी स्मृति में पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है। 5 रुपए की कीमत का ये डाक टिकट लाखों की संख्या में देश भर के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के घर घर पहुंचने वाला है। महाराजा सुहेलदेव को, उनके महान कार्यों को हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में पहुंचाने का एक नम्र प्रयास इस पोस्टल स्टैंप के माध्यम से होने वाला है। साथियों, महाराजा सुहेलदेव देश के उन वीरों में रहे हैं जिन्होंने मां भारती के सम्मान के लिए संघर्ष किया। महाराज सुहेलदेव जैसे नायक जिनसे हर वंचित, हर शोषित प्रेरणा लेता है, उनका स्मरण भी तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और नई शक्ति देता है। ऐसा कहते हैं कि जब महाराज सुहेलदेव का राज था तो लोग घरों में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं समझते थे। अपने शासन में उन्होंने लोगों के जीवन को आसान बनाने, गरीबों को सशक्त करने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कें बनवाई, बगीचे लगवाए, पाठशालाएं खुलवाई, मंदिरों की स्थापना की और अपने राज्य को बहुत ही सुंदर रूप दिया। जब विदेशी आक्रांता ने भारत भूमि पर आंख उठाई तो महाराजा सुहेलदेव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने आसपास के अन्य राजाओं को जोड़कर ऐसी संगठन शक्ति उत्पन्न की कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए। महाराजा सुहेलदेव का जीवन एक बेहतरीन योद्धा, कुशल रणनीतिकार, संगठन शक्ति के निर्माता, ऐसी अनेक प्रेरणा की वे मूर्ति रहे हैं। वो सबको साथ लेकर चलते थे। महाराजा सुहेलदेव सबके थे। भाइयों बहनों, देश के ऐसे वीर वीरांगनाओं को जिन्हें पहले की सरकारों ने एक प्रकार से भूला दिया, मान नहीं दिया, उनको नमन करना ये हमारी सरकार ने अपना दायित्व समझा है,
हमने हमारी जिम्मेवारी समझी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में चितौरा, जब भी हम महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं तो बहराइच जनपद के चितौरा को कभी भूल नहीं सकते। वही धरती थी जहां महाराजा ने आक्रांताओं को समाप्त किया था, परास्त किया था। योगी जी की सरकार ने उस स्थान पर जहां महाराजा सुहेलदेव ने भव्य विजय प्राप्त किया था और जिस महापुरुष को हजार साल तक भुला दिया गया था, उनके स्मारक में उस विजय को याद करें आने वाली पीढ़ियां, इसके लिए एक भव्य स्मारक बनाने का भी आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को राजा सुहेलदेव के स्मारक के लिए, इस कल्पना के लिए, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और महाराजा सुहेलदेव से प्रेरणा लेने वाले हर किसी को देश के कोने कोने में प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का दृढ़ निश्चय है कि जिन्होंने भी भारत की रक्षा सुरक्षा, भारत के सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने में योगदान दिया है, उनकी स्मृति को मिटने नहीं दिया जाएगा। अपने इतिहास, अपनी पुरातन संस्कृति के स्वर्णिम पृष्ठों पर धूल जमने नहीं दी जाएगी। साथियों, महाराज सुहेलदेव जितने बड़े वीर थे, उतने ही बड़े दयालु और संवेदनशील थे। संवेदनशीलता के यही संस्कार हम सरकार में, व्यवस्था में लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। केंद्र और यूपी सरकार पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रही है कि गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, हर प्रकार से समाज का ये तबका सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, अपने हकों को पा करके रहे, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। उनकी आवाज व्यवस्था तक आसानी से पहुंचे। भाइयों और बहनों, आज सरकार सामान्य जनता के लिए सुलभ भी है और अनेक समस्याओं के स्थायी समाधान की कोशिश कर रही है। वोट के लिए तत्कालिक घोषणाओं, फीते काटने की परंपरा को हमारी सरकार ने पूरी तरह बदला है। सरकार के संस्कार और व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आज गरीब से गरीब की भी सुनवाई होने का मार्ग खुला है। साथियों, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने का यह अभियान अभी शुरुआती दौर में है। अभी एक ठोस आधार बनाने में सरकार सफल हुई है। इसी नींव पर मजबूत इमारत तैयार करने का काम अभी भी बाकी है। पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इसी दिशा में उठाया गया कदम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देश में सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक पूर्वांचल को मेडिकल हब बनाने की दिशा में निरंतर तेजी लाई जा रही है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले
जिस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है उससे इस क्षेत्र को आधुनिक चिकित्सा सुविधा तो मिलेगी ही, गाजीपुर में नए और मेधावी डॉक्टर भी तैयार होंगे। यहां के नौजवानों को डॉक्टर बनने का सपना अपने घर में पूरा करने का मौका मिलेगा। करीब 250 करोड़ की लागत से जब ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा तो गाजीपुर का जिला अस्पताल 300 बेड का हो जाएगा। इस अस्पताल से गाजीपुर के साथ साथ आसपास के अन्य जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। लंबे समय से ये आप सभी की मांग रही थी और आप सभी के प्रिय हमारे साथी मनोज सिन्हा जी भी निरंतर इसको आवाज देते रहे हैं। बहुत जल्द ये अस्पताल आप सभी की सेवा के लिए समर्पित होगा। इसके अलावा गाजीपुर में 100 बिस्तर वाले मैटरनिटी अस्पताल की सुविधा भी जुड़ चुकी है। जिला अस्पताल में आधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। आने वाले समय में इन सुविधाओं को और विस्तार दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, गाजीपुर का नया मेडिकल कॉलेज हो, गोरखपुर का एम्स हो, वाराणसी में बन रहे अनेक आधुनिक अस्पताल हो, पुराने अस्पतालों का विस्तार हो, पूर्वांचल में हजारों करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार हो रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य को आजादी के इतिहास में पहली बार इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना, पीएम जय, लोग उसको मोदी केयर भी कहते हैं, इस पीएम जय का, आयुष्मान भारत योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। इस योजना से कैंसर जैसी सैकड़ों गंभीर बीमारियों की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। सिर्फ 100 दिन के भीतर ही देश भर के करीब 6.5 लाख गरीब बहन भाइयों का मुफ्त इलाज या तो हो चुका है या फिर अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भी 14,000 से ज्यादा बहनों भाइयों को इसका लाभ मिला है। और ये वो लोग हैं दो दो चार चार पांच पांच साल से गंभीर बीमारी के साथ मौत का इंतजार कर रहे थे। डर लग रहा था अगर उपचार कराऊंगा तो पूरा परिवार कर्ज में डूब जाएगा। वो दवाई नहीं करवाते थे, मुसीबत झेलते थे। आयुष्मान भारत योजना ने ऐसे लोगों को ताकत दी, हौसला दिया। अब वो अस्पताल आए हैं, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं और हंसते खेलते अपने घर लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार देश के हर परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा जैसी योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। मुश्किल समय में 2 लाख रुपए तक की मदद मिल पाए इसके लिए सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपये महीना के थोड़े से प्रीमियम पर ये योजनाएं चल रही है। इन दोनों योजनाओं से देश भर में 20 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इसमें करीब 2.25 करोड़ लोग
हमारे उत्तर प्रदेश के भी है। इसके तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक ये रकम पहुंच चुकी है और जिसमें से करीब 400 करोड़ रुपए का क्लेम उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवारों के घर पहुंच चुका है। साथियों, 400 करोड़ रुपया 90 पैसे के बीमा से इन परिवारों से पहुंचा, उनके परिवारों को कितनी ताकत मिली होगी। साथियों, जब सरकारें पारदर्शिता के साथ काम करती है, जब जनहित स्वहित से ऊपर रखा जाता है, संवेदनशीलता जब शासन का स्वभाव होता है, तो ऐसे बड़े काम स्वाभाविक रूप से होते हैं। जब लक्ष्य व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन होता है, तब ऐसे बड़े काम होते हैं। तब दूर की सोच के साथ स्थायी और ईमानदार प्रयास किए जाते हैं। साथियों, काशी का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वाराणसी और गाजीपुर में बने कार्गो सेंटर हो, गोरखपुर में बन रहा खाद का कारखाना हो, बाण सागर जैसी सिंचाई परियोजनाएं हो, बीज से बाजार तक की अनेक व्यवस्थाएं देश भर में तैयार हो रही है। मुझे बताया गया है कि गाजीपुर में जो पेरिशेबल कार्गो सेंटर बना है, उससे यहां की हरी मिर्च और हरी मटर, हमारे मनोज जी बता रहे थे, दुबई के बाजार में बिक रही है। किसानों को पहले की तुलना में अब बेहतर दाम मिल रहे हैं। आज जो भी काम हो रहा है, पूरी प्रामाणिकता के साथ ईमानदारी से किसानों की आय दोगुना करने के लिए हो रहा है। कम लागत में अधिक लाभ किसानों को मिले, इस दिशा में पूरी लगन से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, वोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हश्र क्या होता है, वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है। सरकार बदलते ही अब वहां खाद के लिए, यूरिया के लिए कतारें लगने लगी, लाठियां चलने लगी, काले बाजार करने वाले मैदान में आ गए। कर्नाटक में लाखों किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया गया था। भाइयों बहनों, ये सच्चाई समझिए, कर्नाटक में अभी अभी कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई और कर्ज माफी का किसानों को वादा किया था, लॉलीपॉप पकड़ा दिया था। लाखों किसानों का कर्ज माफ होना था और किया कितना, बताऊं? बताऊं कितना किया, कितने किसानों को लाभ मिला, बताऊं? आप हैरान हो जाएंगे, बताऊं? लाखों किसानों के वो कर्ज माफी का वादा किया गया, वोट चुरा लिए गए, पिछले दरवाजे से चोरी रास्ते से सरकार बना दी गई, और दिया कितनों को, सिर्फ 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 800 लोगों को। आप मुझे बताइए, ये कैसे वादे, ये कैसे खेल, ये किसानों के साथ कैसा धोखा हो रहा है, इसको आप समझिए। भाइयों बहनों, जिनका नहीं हुआ कर्ज माफी तो नहीं हुआ, लेकिन अब उनके पीछे पुलिस छोड़ दी गई है, जाओ पैसे जमा करवाओ। साथियों, तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए जो वादे किए जाते हैं,
जो फैसले लिए जाते हैं उनसे देश की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। 2009 के चुनाव से पहले क्या हुआ, आप सभी उसके साक्षी हैं। 2009 के चुनाव के पहले भी ये ऐसे ही लॉलीपॉप पकड़ाने वालों ने कर्ज माफी का वादा किया था, देश भर के किसानों का कर्ज माफी का वादा किया था। मैं यहां जो किसान है, मैं जरा पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले 2009 में क्या आपका कर्ज माफ हुआ था? क्या माफ हुआ था? क्या आपके खाते में पैसा आया? क्या आपको कोई मदद मिली? क्या वादा हुआ था कि नहीं हुआ था? सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी? और फिर आपको भुला दिया गया कि नहीं भुला दिया गया? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ये लॉलीपॉप कंपनी से भरोसा करोगे क्या? ये झूठ बोलने वालों से भरोसा करोगे क्या? ये जनता को धोखा देने वालों से भरोसा करोगे क्या? भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, तब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था, पूरे देश में 6 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन माफ करने की घोषणा की गई वो कितने की हुई आपको मालूम है? 6 लाख करोड़ का कर्ज था और चुनने के बाद, सरकार बनने के बाद कैसी ड्रामेबाजी की गई, कैसा किसानों की आंख में धूल झोंकी गई, ये आंकड़ा खुद बोल देता है। 6 लाख करोड़ के सामने कितनों रुपयों का कर्ज दिया गया, माफ कर दिया गया मालूम है आपको? मैं बताऊं, याद रखोगे, याद रखोगे, ये लोग आ जाए लॉलीपॉप पकड़ाने के, दोबारा याद कराओगे? पक्का कराओगे? 6 लाख करोड़ का कर्ज किसानों का, और दिए कितने? सिर्फ 60,000 करोड़। कहां 6 लाख करोड़ और कहां 60,000 करोड़। इतना ही नहीं दिया, वो भी किसको दिया? जब सीएजी का रिपोर्ट आया तो पाया गया कि उसमें 35 लाख बहुत बड़ी रकम इन 35 लाख लोगों के घर में ही गई, और वो न किसान थे, न कर्ज था, न कर्ज माफी के हकदार थे। ये रुपया आपका गया कि नहीं गया? ये चोरी हुई कि नहीं हुई? जिनका कर्ज माफ हुआ भी, उनमें से भी लाखों को सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया, जिसके चलते उसका ब्याज चढ़ता गया और बाद में उस बेचारे किसान को कर्ज ब्याज समेत एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये पाप इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, ये लोग दोबारा भी कर्ज लेने के लायक नहीं रहे। उनको शराब पे पास जाना पड़ा, प्राइवेट में कर्ज लेने जाना पड़ा, महंगे रुपयों से कर्ज लेना पड़ा। साथियों, इस प्रकार की कर्ज माफी का लाभ किसको हुआ? कम से कम किसान को तो नहीं हुआ। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि कांग्रेस के इस झूठ और बेईमानी से सतर्क रहिए। याद रखिए कि कांग्रेस की सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तक को लागू नहीं किया था। कांग्रेस के चलते ही किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की सिफारिश वाली फाइल बरसों तक ये कांग्रेस वाले उस पर बैठे हुए थे, निकालते नहीं थे। अगर कांग्रेस ने अपने जमाने में, आज से 11 साल पहले, अगर स्वामीनाथन कमीशन को स्वीकार किया होता, लागू किया होता, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को देना तय किया होता, तो आज मेरा किसान कर्जदार होता ही नहीं, उसको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपका पाप, आपने उस फाइल को दबा करके रखा, किसान को दाम नहीं दिया, एमएसपी नहीं दिया,
किसान बर्बाद हो गया, कर्जवार हो गया, ये आपके पापों का परिणाम है। इस फाइल को भाजपा सरकार ने बाहर निकाला और धान सहित 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय किया गया। भाई और बहनों, ऐसे अनेक काम है जो बीते 4 वर्षों से किए जा रहे हैं। जो छोटा किसान है उसको भी हमारी सरकार बैंकों से जोड़ रही है। मंडियों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सुविधाएं अब तैयार हो रही है। तकनीक के माध्यम से मंडियों को अब तैयार किया जा रहा है। नए कोल्ड स्टोरेज, मेगा फूड पार्क, उसकी भी चेन अब तैयार हो रही है। साथियों, किसान की फसल से लेकर उद्योगों के लिए जरूरी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी यही सरकार तैयार कर रही है। पूर्वांचल की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बीते 4.5 वर्ष में अनेक काम पूरे हो चुके हैं और अनेक प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम तेज गति से चल रहा है। पिछली बार जब मैं गाजीपुर आया था तो ताड़ीघाट गाजीपुर मऊ रेल रोड पुल का शिलान्यास किया था। मुझे बताया गया है कि जल्द ही ये भी सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। इससे पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली और हावड़ा जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। रउआ लोग बताएं, गंगा पर पुल बनत बांटे ता आप लोग खुश बनी ना, खुश बनी ना। ताड़ीघाट और गाजीपुर जुड़ जाए रेल लाइन से, फिर यहां से दौड़ी तरक्की के गाड़ी। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेलवे के महत्वपूर्ण काम हुए हैं। स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हो रहा है, कई नई ट्रेनें शुरू हुई है। गांव की सड़कें हो, नेशनल हाईवे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जब ये तमाम प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो इस क्षेत्र की तस्वीर ही बदलने वाली है। हाल में जो वाराणसी से लेकर कोलकाता तक नदी मार्ग की शुरुआत की गई है, उसका भी लाभ गाजीपुर को मिलना तय है। यहां जेटी बनने वाली है जिसका शिलान्यास भी हो चुका है। इन तमाम सुविधाओं के बनने से ये पूरा क्षेत्र व्यापार और कारोबार का सेंटर बनेगा। यहां उद्योग धंधे लगेंगे, युवाओं के रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, सुराज के इस संकल्प की तरफ हम निरंतर कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, मुद्रा योजना हो, सौभाग्य योजना हो, ये सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि सशक्तिकरण के माध्यम है। विकास की पंचधारा, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के ये मजबूत कड़ियां है। भाइयों और बहनों, आने वाला समय आपका है, आपके बच्चों का है, युवा पीढ़ी का है। आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आपका ये चौकीदार बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन के साथ दिन रात एक कर रहा है। आप अपना विश्वास और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए।
क्योंकि चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की रातों की नींद उड़ गई है। मुझ पर आपका विश्वास और आशीर्वाद ही एक दिन ऐसा आएगा इन चोरों को सही जगह तक ले जाएगा। एक बार फिर आपको नए मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ फिर एक बार महाराजा सोहेलदेव के महान पराक्रमों को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। दो दिन बाद 2019 का वर्ष शुरू होगा, इस नए वर्ष के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। और अब जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी धन्यवाद प्रस्ताव देंगे, सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे।